पार्ट 14 की स्टार्टिंग में ड्रंक होने की वजह से मेसा और मीडी एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वेल, किस करने के बाद मीडी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मेसा को सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मेसा विन से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहां वो विन से वानंग से रिलेटेड तरह तरह के क्वेश्चन करने लगती है, लेकिन विन मेसा को उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और मेसा का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम ले जाता है एंड देन ड्रावर से एक बॉक्स निकाल कर मेसा को देखने के लिए देता है। जब मेसा वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक रिंग होती है, जिसके बाद विन उसे बताता है कि तुम मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन थी और तुम्हारे लिए ही मैंने इंटरटेनमेंट सर्कल को छोड़कर तुम्हारे साथ शादी करके हैप्पी टाइम स्पेंड करने का प्लान किया था, लेकिन जिस रात मैं तुम्हें प्रपोज करने गया था उस रात तुम किसी और के साथ थी, जिससे मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया। विन से ये सब सुनने के बाद मेसा को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है, जिससे वो रोते हुए विन को हग कर लेती है और विन से अपनी लाइफ में दोबारा वापस आने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन विन मेसा से कहता है कि वो पहले मेसा से बहुत प्यार करता था, पर अब उसके दिल में सिर्फ वानंग के लिए ही फीलिंग्स है। ये सुनने के बाद मेसा वो रिंग फेंक कर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वेल, अगले सीन में वानवान और पार्क मिलकर वानंग से एक फिल्म के सीन के बहाने वीडियो शूट करवाते हैं, जिसमें वानंग को एक चीटर एंड सेल्फिश लड़की की लाइन बोलनी होती है। और यहाँ हमें वानवान का फेस देखकर ऐसा लगता है कि वो इस बार कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। अगले दिन विन वानंग से मिलने के लिए उसके सेट पर जाता है और वानंग का हाथ पकड़कर उसे अकेले में ले आता है और वानंग को सभी सच्चाई बताने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वो वानंग का हाथ पकड़कर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वानवान आ जाता है और वानंग को उसकी शूटिंग का टाइम हो गया कहकर वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिससे विन वानंग को कुछ भी नहीं कह पाता। वानंग के वहाँ से जाने के बाद वानवान विन को वही क्लिप सुनाता है जिसमें वानंग ने चीटर एंड सेल्फिश लड़की की लाइन बोली थी। वानंग क्लिप में ये बोल रही होती है कि उसने सिर्फ फेमस होने के लिए उस लड़के का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वानंग की क्लिप विन को सुनाने के बाद वानवान वानंग को एक चालाक और मतलबी लड़की कहकर वहाँ से चला जाता है। वेल, उसने ये सब इसीलिए किया ताकि वो विन के दिल में वानंग के लिए नफरत पैदा कर सके और जो वो चाहता था वैसा ही होता है, क्योंकि उस क्लिप को सुनने के बाद विन घर आकर गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंक देता है, यहाँ तक कि वो वानंग के दिए हुए कैक्टस को भी बाहर डस्टबिन में फेंक देता है। वेल, जब वानंग विन से मिलने के लिए उसके घर आती है तो विन वानंग को एक सेल्फिश धोखेबाज लड़की कहकर उसे काफी बुरा भला सुनाने लगता है, लेकिन वानंग को इन सब के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो वो विन से उसके ऐसे बिहेवियर का रीजन पूछने लगती है। पर विन वानंग को अपने घर से निकल जाने के लिए कहकर वहां से पुल साइड चला जाता है, तो वानंग भी उसके पीछे पीछे जाकर फिर से उसके अजीब बिहेवियर का रीजन पूछने लगती है। लेकिन विन गुस्से में वानवान को कॉल करने लगता है ताकि वो आकर वानंग को यहाँ से ले जाए, पर वानंग विन को ऐसा करने से मना करते हुए उसका फोन छीनने लगती है और इसी छीना झपटी में दोनों ही पुल में गिर जाते हैं, जिसके बाद वानंग गुस्से में विन से अपनी बात सुनने के लिए कहती है, तो विन उससे गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई वानवान ने बता दी है। ये सुनकर वानंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि वानवान ने तुमसे क्या बोला है, पर मैंने तुम्हारे साथ अपना जितना भी टाइम स्पेंड किया था वो सब मेरे लिए आज भी काफ़ी मेमोरेबल है। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इतना कहने के बाद वानंग वहाँ से जाने लगती है और विन पुल में ही रहकर वानंग के बारे में सोचने लगता है। वेल, दूसरे सीन में वानवान और पार्क अपने जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी वानंग वहाँ आकर वानवान से पूछने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने तुम दोनों की पूरी बात सुन ली है।
जिसके बाद वानवान अपनी बातों से वानंग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि तभी पार्क वानंग के पेट पर मुक्का मार के उसे घायल कर देता है, जिसके बाद वानंग को रूम में ले जाकर वानवान पार्क को वानंग का रेप करने के लिए कहता है एंड देन पार्क वानंग के करीब जाकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वानवान उन दोनों का वीडियो बनाने लगता है जिसमें सिर्फ वानंग का ही फेस शो हो रहा होता है। वेल, वहीं दूसरे सीन में जब विन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो तुरंत ही वानंग से मिलने के लिए वानवान के अपार्टमेंट जाता है, लेकिन वानवान अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता तो विन वहां के वॉचमैन को पुलिस बनने का नाटक करके घर का डोर ओपन करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और ये प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है क्योंकि पुलिस की आवाज सुनकर वानवान डर कर तुरंत ही दरवाजा खोल देता है, जिससे विन जबरदस्ती वानवान के घर में घुस जाता है और तुरंत ही वानंग के पास जाकर उसे टाइटली हक कर लेता है, जिसके बाद वो वानवान और पार्क को धमकी देने के बाद वानंग को लेकर वहां से चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू। वेल, वानंग जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से काफी डरी हुई होती है तो विन तुरंत ही वानंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां वो पूरी रात वानंग का हाथ पकड़ कर उसे ही देखता रहता है। अगले दिन विन को वानवान का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाता है, जिसके बाद जब विन वानवान से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो वानवान उसे वानंग की वही रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाता है और उसके बाद विन से कहता है कि अगर तुम वानंग का करियर और इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम इंटरटेनमेंट सर्कल से दूर चले जाओ और दोबारा कभी मत आना, तभी तुम वानंग को बेइज्जत होने से बचा सकते हो, जिसके लिए विन मान जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। जिसके बाद वो रिपोर्टर्स को अपने घर के बाहर इनवाइट कर ये अनाउंस करता है कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट साइन किए थे उन सभी को अब मैंने मना कर दिया है क्योंकि अब मैं इंटरटेनमेंट सर्कल से रिजाइन देना चाहता हूँ। विन के इस डिसीजन से रिपोर्टर शॉक होकर उससे तरह तरह के क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन विन बिना कुछ कहे ही अपने घर चला जाता है, जिसके बाद वो अब्रॉड जाने के लिए अपना बैग पैक करते हुए वानंग से रिलेटेड मेमोरीज याद करने लगता है, जिसके बाद वो घर छोड़कर जाने लगता है। वेल, वही जब वानंग को विन के इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर लुकपीट के साथ विन के घर जाती है, पर वहां से विन जा चुका होता है, जिससे वानंग विन को याद करते हुए काफी ज्यादा रोने लगती है। वेल, अगले सीन में वानवान विन के जाने से काफी ज्यादा खुश होकर नॉन्ग से बात कर रहा होता है कि तभी वहां पार्क आकर वानवान पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे फिल्म में बड़ा रोल दिलाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम सिर्फ नॉन्ग पर ही ध्यान देते हो, तुम भूल गए क्या मैंने तुम्हारे गलत कामों में भी तुम्हारा साथ दिया है। और इसी वजह से दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है और पार्क वानवान को धमकी देकर वहां से चला जाता है। वेल, देन हमें नॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि फिल्म के डायरेक्टर के साथ होता है। डायरेक्टर नॉन्ग को कोरियन इंडस्ट्री में एक बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर देता है जो कि नॉन्ग के करियर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जिसके लिए नॉन्ग खुशी खुशी मान जाता है। आफ्टर मीटिंग नॉन्ग जब बाहर आता है तो पार्क उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है, जिसके बाद दोनों बार में बैठ कर ड्रिंक करते हैं। यहाँ नॉन्ग पार्क से कहता है कि मेरे पास एक बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर है, लेकिन मैं वानवान के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। जिस पर पार्क टॉम को आइडिया देते हुए कहता है कि वानवान के पास एक चिप है और अगर तुम उस चिप को चुरा कर मेरे पास ले आओगे तो तुम वानवान से अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकते हो, क्योंकि वो चिप हमारे हाथ लग गई तो हम वानवान को अपनी उंगली पर नचा सकते हैं। जिसके बाद नॉन्ग चोरी छिपे वानवान के घर जाकर वो चिप ढूंढने लगता है और उसे वो चिप मिल भी जाती है, लेकिन तभी वहां पर वानवान आ जाता है जो कि नॉन्ग से अचानक से यहां पर आने का रीजन पूछने लगता है।
जिस पर नोंग कहता है कि वो वानवान को सरप्राइज देना चाहता था और फिर वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर जाने लगता है। पर वानवान नोंग को पीछे से हक कर लेता है क्योंकि वानवान नोंग को काफी ज्यादा लाइक करता है। लेकिन नोंग वानवान को अपनी बातों से चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। वेल, अगले सीन में वान्यांग और लुकपिट भी वानवान के साथ अपना किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने के लिए प्लान बना रहे होते हैं कि तभी वान्यांग को पार्क का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि अगर तुम वानवान से बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उसी वीडियो की चिप है जो तुम्हारी मेरे साथ वानवान ने रिकॉर्ड किया था। ये सुनकर पहले तो वान्यांग पार्क पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, लेकिन कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो पार्क की मदद करने के लिए मान जाती है। अगले दिन पार्क पुलिस लेकर वानवान के घर जाता है जहां वो वानवान पर उसे जबरदस्ती वान्यांग का रेप करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाता है और पुलिस के सामने वो रिकॉर्ड की हुई चिप भी दिखाते हुए वानवान से कहता है कि तुम्हारे प्यारे नोंग ने ही मुझे ये चिप ला कर दिया है। ये सुनते ही वानवान का चेहरा फीका पड़ जाता है, जिसके बाद पुलिस वानवान को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाती है जहां पार्क और नोंग पहले से ही वहां पर मौजूद होते हैं। नोंग को देखकर वानवान उससे धोखा देने का रीजन पूछने लगता है क्योंकि वानवान सबसे ज्यादा भरोसा नोंग पर ही करता था, जिसके बाद वो नोंग के ऊपर थूक कर हंसने लगता है कि तभी वहाँ वानांग और लुकपिट भी आ जाते हैं और वहाँ लुकपिट पूरी मीडिया के सामने वानवान और वानांग का किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है, जिससे गुस्से में आकर वानवान वहाँ हाथापाई करने लगता है एंड देन पुलिस वानवान को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। वेल, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वानांग घर पर लुकपिट से विन के बारे में ही बात कर रही होती है क्योंकि वो जान चुकी है कि विन मेरे लिए ही एंटरटेनमेंट सर्कल छोड़कर अब्रॉड चला गया, पर पता नहीं वो कहां और कैसा होगा। जिसके बाद हमें 6 मंथ का लिप दिखाया जाता है जहां विन फुकेट में होता है और अपनी और वान्यांग से जुड़ी हुई मेमोरीज को याद करने लगता है। विन जब अपने होटल में विजिट करता है तो वहाँ उसे उसकी एक फैन मिल जाती है जो कि उससे कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि आप गे नहीं हो सकते, ये सब तो उस वानवान ने किया था। जिसके बाद वो विन को वानवान के एक्सपोज होने वाली न्यूज के बारे में बताने लग जाती है और ये जानने के बाद विन भी काफी शॉक हो जाता है। वेल, वही वानांग भी अब एक अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी है और उसके पास प्रोजेक्ट की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो आज भी विन को काफी ज्यादा मिस करती है। एंड देन हमें मिडी और मेसा को दिखाया जाता है जो होटल में एक साथ डिनर करने आए हुए होते हैं। यहाँ मेसा को ऐसा लगता है कि मिडी उसे सरप्राइज देकर प्रपोज करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिससे डिसअपॉइंट होकर मेसा मिडी को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वेल, अगले दिन विन अब्रॉड से वापिस आकर टॉम से मिलने के लिए उसके कैफे आता है जहां वो टॉम से मिलकर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है और टॉम भी पुरानी बातों को भूलकर विन को माफ कर देता है। वेल, अगले सीन में वानांग टीवी एंकर्स को अपना इंटरव्यू दे रही होती है जिसमें वो अपने सक्सेस होने का पूरा क्रेडिट विन को देती है, हालांकि वो इंटरव्यू में विन का नाम नहीं लेती। वानांग का इंटरव्यू विन भी देख रहा होता है, जिससे वो वानांग के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद टॉम आकर उससे कहता है कि तुम्हें वानांग से अपने फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी वानांग मेरी लाइफ पार्टनर होती। टॉम की बातें सुनकर विन भी उसकी बात पर अग्री करता है। रात में वानांग घर के बैक साइड में अकेले बैठी हुई होती है, जिसके बाद वो स्टार्स देखते हुए फिर से विन को काफी ज्यादा मिस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है जिससे वानांग लुकपिट को आवाज देते हुए घर जाने लगती है कि तभी वहां की सारी फेरी लाइट्स ऑन हो जाती है, जिससे वानांग काफी सरप्राइज हो जाती है और जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वहां विन होता है। विन को अपने सामने देख वानांग उसके पास जाकर उसे टाइटली हक कर लेती है एंड देन दोनों एक दूसरे को पैसनेटली किस करते हैं, जिसे दूर से लुकपिट भी देख कर उन दोनों के लिए काफी खुश हो रहा होता है
और फिर दोनों एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। एंड देन हमें साथ में और सब की लाइफ भी दिखाई जाती है, जहां मीडी मेसा को प्रपोज करता है और अब से ये दोनों ऑफिशियली कपल्स हैं। और वहीं नॉन्ग भी अब एक फेमस एक्टर बन चुका है जिसकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और वो लड़कियों में काफी फेमस है। एंड वहीं टॉम भी बिना किसी टेंशन के अपने कैफे में खुश है एंड पार्क को पहले की तरह ही आज भी कोई अटेंशन नहीं देता। और लुकपीट के अब एक नहीं बल्कि दो बॉयफ्रेंड्स हैं जिसके साथ वो दिन भर फ्लर्ट करता रहता है। एंड अगर बात की जाए वानवान की तो वो अब रोड पर आ चुका है क्योंकि अब कोई भी उसकी एजेंसी ज्वाइन नहीं करता। और फिर इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, सो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और अगर आप किसी ड्रामे की एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए उस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन ला सकूं। तो मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।